वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम आरिफ सर। लास्ट क्लास हमने फिनिश किया परमानेंट इफेक्ट्स। वहां पर हमने पढ़ा इंडेक्ट इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड कॉन्जुगेशन इफेक्ट। वो पांच इफेक्ट्स हमने इन डिटेल पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे टेम्पररी इफेक्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये हमारे पास लास्ट इफेक्ट है जो हम आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम डालो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इट इज इलेक्ट्रो मेरिक इफेक्ट। ठीक है बेटा, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ई इफेक्ट। इट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, वायर ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमेरिक। उसे बेटा छुके इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, मेरिक मीन्स पार्ट्स। इलेक्ट्रॉन करें पार्ट, इसका मतलब है आपको ब्रेक करना है बॉन्ड को। किस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है? पाई बॉन्ड को। ये इफेक्ट गए तिमर मालिक्यूलों मस यमर मस पाई बॉन्ड है। सबसे पहले पॉइंट्स लिखो, लिखो एट ऑकर्स इन मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम्स। ये गए तिमन सिस्टमन मस जहां पर होगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। याद रखना, इसका मतलब है पाई बॉन्ड इज मस्ट, पाई बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। सेकंड पॉइंट लिखो, इट इज टेम्पोररी इफेक्ट। इट इज टेम्पोररी इफेक्ट। इसका मतलब यह है, यह तभी होगा जब आप अटैकिंग रिएजेंट से अटैक करोगे। यह होगा इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। जैसे ही आप अटैकिंग रिएजेंट को रिमूव करोगे फ्रॉम सिस्टम, ये शिफ्ट वापस आएगा, ये वैनिश हो जाएगा इफेक्ट। थर्ड पॉइंट लिखो, अटैकिंग रिएजेंट इज मस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, अटैकिंग रिएजेंट जो हमारे पास है वो कौन कौन है? इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब है ये होगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। याद रखना, इनकी प्रेजेंस में ये इफेक्ट होगा। फोर्थ पॉइंट लिखो, इट इज स्ट्रॉन्गर इफेक्ट। ये ताकतवर इफेक्ट है, स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है, क्योंकि यहां पर पूरा प्लस चार्ज और पूरा माइनस चार्ज क्रिएट होगा। वो भी लिखो, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑकर्स। लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन? पाई बॉन्ड। हेंस कंप्लीट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डेवलप। नोट करो, यम छ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब मैं इसको डिफाइन करूंगा। पहले ये लिखो, ठीक है बेटा, इट ऑकर्स इन मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम्स जहां पर पाई बॉन्ड हो। इट इज टेम्पररी इफेक्ट। अटैकिंग रिएजेंट इज मस्ट, इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए और न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। इट इज स्ट्रॉन्गर इफेक्ट, उबली कर दो फास्ट इफेक्ट, ये फास्ट भी है। इट इज फास्ट इफेक्ट, जल्दी होता है। इट इज फास्ट और स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन इंडक्ट इफेक्ट, ये इंडक्ट इफेक्ट से फास्ट होता है। इट इज स्ट्रॉन्गर उबली फास्ट इफेक्ट। कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑकर्स, हेंस कंप्लीट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देख बेटा, हम डिफाइन करेंगे। ये था मेन पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो आपको याद रखना है। पूछा बेटा छू क्या हुई? देख बेटा, हमारे पास है ये एल्कीन, मैंने यहां पर बनाया इथेन। अब मैं यहां पर हाइड्रोजन शो चलो करूंगा बेटा, चलो मैंने इथेन बनाया। ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड है। याद रखना, एक सिग्मा बॉन्ड दूसरा पाई, पाई बॉन्ड इज अबो एंड बिलो द प्लेन। अगर वो इतना सारा अटैकिंग रिएजेंट, मैं लिखूंगा अटैकिंग रिएजेंट ए आर, तब जाके ये पाई बॉन्ड आइदर शिफ्ट होगा इन दिस डायरेक्शन। याद रखना, पूरा एरो बनाना, इसको हम हमेशा शो करते हैं कर्वड एरो से। एरो स्टार्ट होता है सेंटर ऑफ बॉन्ड, पाई बॉन्ड के सेंटर से एरो स्टार्ट होता है और उसका हेड एटम की तरफ जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। सपोज यहां पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मैंने इस तरफ शिफ्ट किया,
इसका मतलब है अब यहां पर ऐसे बनेगा सी सिंगल बॉन्ड सी ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब है यहां पर कंप्लीट पोलैरिटी डेवलप हुई। इसी इफेक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पाई बॉन्ड को ब्रेक, ये शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स वन एटम, या कैसे दूसरे गुण शिफ्ट या कैसे खोड़ गुण शिफ्ट इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ये मस्ट है, सबसे ज्यादा जरूरी ये है, इट इज मस्ट। अगर मैं ये रिमूव करूं, मैं ये रिमूव करूं तो ये फिर से बॉन्ड बनाएंगे, तब जाके ये वापस कन्वर्ट होगा इसमें, इसीलिए ये टेम्पररी इफेक्ट है, ये छू टेम्पररी इफेक्ट। इस फिनोमेना का नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखो डेफिनेशन, यो पाई बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसका नाम है शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यम साथ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट टुवर्ड्स आइदर एटम, टुवर्ड्स आइदर एटम इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, इसी इफेक्ट का नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसको नोट करो, नीचे लिखो डेफिनेशन। द कंप्लीट, ऐसे लिखना, यह कंप्लीट ट्रांसफर होता है, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड, याद रखना शेयर्ड पीयर ऑफ, यह पीयर है पाई इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, सिग्मा नहीं होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स टुवर्ड्स आइदर एटम, टुवर्ड्स आइदर कार्बन एटम, कभी कभी दाएं तरफ जाएंगे, कभी बाएं तरफ, डिपेंड करता है अटैकिंग रिएजेंट कौन है, अभी मैं आपको शो करूंगा। टुवर्ड्स आइदर कार्बन एटम इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ, याद रखना अटैकिंग रिएजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज नोन एज, इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसी का नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये फास्ट इफेक्ट होता है और टेम्पररी इफेक्ट होता है, नोट करो। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई बॉन्ड में जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है जो शेयर हो रहा है दो कार्बन के बीच में, वही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, वो ट्रांसफर होगा टुवर्ड्स आइदर कार्बन एटम, टुवर्ड्स आइदर कार्बन एटम इन प्रेजेंस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, अटैकिंग रिएजेंट, इस इफेक्ट का नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, नोट करो। इट इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि यहां पर पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और कंप्लीट प्लस और कंप्लीट माइनस चार्ज डेवलप होता है, इनके साथ इंडक्टिव इफेक्ट पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इफेक्ट है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। नीचे लिखो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, टाइप्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, अत जो टाइप, एक का नाम है प्लस ई, दूसरे का नाम है माइनस ई, पहले पढ़ेंगे प्लस, प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, वो खुद लिखोगे आप प्लस ई, वो सब रिफ्रेश करें डिफाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर से वो ना, ये हमारे पास है एक कंजुगेटेड सिस्टम जिसमें पाई बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम है, इट इज मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम, मस्ट पाई बॉन्ड होना चाहिए, एक हो दो हो लेकिन पाई बॉन्ड होना चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। टेलीफोटिक पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है, बिकॉज उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है, वो बनता है हेड ऑन ओवरलैप से, पाई बॉन्ड बनता है साइड वाइज ओवरलैप, साइड वाइज ओवरलैप, ये वीक होता है क्योंकि वहां पर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस रिपल्शन ज्यादा होता है। बॉन्डिंग में मैंने पढ़ाया सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, उसको वहां पर चेक करना, वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, मैंने केमिकल बॉन्डिंग में आपको एक्सप्लेन किया, वहां पर पाई बॉन्ड में क्या होता है, वहां पर जो न्यूक्लियस होता है ये लूब्स होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस आपस में रिपल करेंगे, क्योंकि ओवरलैपिंग ऊपर से और नीचे से होती है, बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती है, यहां पर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस रिपल्शन ज्यादा होगा, इसलिए पाई बॉन्ड वीक होगा, ये दूर दूर होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, वहां पर ऐसे आते हैं लूब्स, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, व्हेन ऑर्बिटल इन्वॉल्व्स टू लूब्स टू फॉर्म बॉन्ड इट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड, व्हेन ऑर्बिटल लूब्स वन लूब, इसने एक लूब को इन्वॉल्व किया, इसने एक लूब को किया,
इस ऑर्बिटल ने एक ही लूप को इन्वॉल्व किया बॉन्डिंग में, इसका मतलब है ये सिग्मा बॉन्ड है। इस ऑर्बिटल ने दोनों लूप को इन्वॉल्व किया, इस लूप को भी और इस लूप को भी बॉन्डिंग के लिए, इसका नाम है पाई बॉन्ड। वो समय सिग्मा बॉन्ड ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस था, अब इन दो न्यूक्लियस के बीच में, इन दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये आपस में रिपल नहीं करेंगे, अब ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, सिस्टम स्टेबल है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड इज ए स्ट्रांग बॉन्ड। यहां पर न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन काम होता है, यहां पर न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन ज्यादा होता है क्योंकि बीच में गैप खाली है, समझाओ, ये मैंने आपको पढ़ाया है। देखो बेटा, अब हमारे पास है ये सिग्मा बॉन्ड है, ऊपर वाला पाई बॉन्ड, आपकी मर्जी, आप ऊपर वाले को सिग्मा बॉन्ड, नीचे वाले को पाई बॉन्ड, ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड्स है। उसे बेटा मैंने यहां पर डाला इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस। देख बेटा, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहे, ये दोनों कार्बन एटम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। यहां पर आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, चाहे इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट करे दुश्मन कुंडली, चाहे खोड़ कुंडली करे, आपकी मर्जी, क्योंकि जितना ताकत इस कार्बन का है उतना ताकत इसका भी है। लेट अस मूव दिस इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स दिस कार्बन, इधर आया अथवा नेगेटिव चार्ज, और इस इलेक्ट्रोफाइल ने भी अटैक किया इसी कार्बन को, अटैकिंग रिएजेंट कर तथ कार्बन अटैक अटैक, जिसकी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, इस इफेक्ट का नाम है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मतलब दोनवे एरो गसन वापस एक सी कार्बनस पे, इस इफेक्ट का नाम क्या है, ऐसे बनेगा, बताओ बेटा क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, इट इज सी, ये ऐसे है, ऐसे है, यहां पर आ गया इलेक्ट्रोफाइल, इसका मतलब बेटा यहां पर प्लस चार्ज आ गया, ये बन गया कार्बन कैटायन, ये है प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आप हमेशा याद रखना, प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इलेक्ट्रोफाइल शो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पर चार्ज क्या होता है, प्लस, प्लस वाला प्लस शो करेगा, समझा, लिखो डेफिनेशन, व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट टुवर्ड्स दैट कार्बन एटम, कार्बन एटम ऑन विच इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स, ऑन विच इलेक्ट्रोफाइल कहो या अटैकिंग रिएजेंट, ए आर स्टैंड्स फॉर अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स, इलेक्ट्रोफाइल ने जिस कार्बन को अटैक किया या इलेक्ट्रोफाइल ने जिस कार्बन को के साथ बॉन्ड बनाया, जिस कार्बन के साथ अटैच हुआ इलेक्ट्रोफाइल, अगर उसी की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अगर उकनी आई पाई इलेक्ट्रॉन्स, तेलपे इफेक्ट नाम पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, when pi electrons shift towards that carbon atom on which electrophile attacks, it is called plus E effect, यही है plus E effect, बताओ कौन शो करता है, when electrophile attacks alkene, इन साथ alkenes attack electrophile, electron deficient species, नीचे लिखो example, electrophilic attack on electrophilic अटैक ऑन एल्किन्स, यम साथ एल्किनन अटैक कर कुछ इलेक्ट्रोफाइल, एल्किन हो या अल्काइन हो, डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम को जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा हमें मिलेगा प्लस ई इफेक्ट, नोट करो, यू हैव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दिस इज पॉजिटिव। आप देख नेगेटिव, यही सिस्टम मैंने फिर से बनाया, अब मैंने अटैक रिएजेंट चेंज किया, मैंने अब लाया न्यूक्लियोफाइल को, पूछा बेटा अब क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल आया, इसने अटैक किया इस कार्बन को, इसने यहां पर अटैक किया इस कार्बन को, अटैक गो कस बॉन्ड आया, आग बॉन्ड ज, ये आया तीसरा बॉन्ड, ये चौथा और ये पहुंचे, इसका मतलब है कार्बन टोटल बॉन्ड कितनी शो करता है, चार, एम मतलब वो पाई बॉन्ड इज ब्रेक, आप पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन को अटैक किया, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूर भाग गया इस कार्बन से, व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव away from that carbon on which attacking reagent attacks, the effect is known as minus electromeric effect, ऐसे लिखो बेटा minus, इसका मतलब ये बनेगा ऐसे, यहां आएगा न्यूक्लियोफाइल, ये हटेगा, यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ऐसे बनेगा, लिखो डेफिनेशन, when pi electron shift away from that carbon atom on which nucleophile
न्यूक्लियोफाइल, इसका नाम क्या है? अटैकिंग रिएजेंट, अटैक्स, इट इज कॉल्ड माइनस ई इफेक्ट. बताओ न्यूक्लियोफिलिक अटैक, इसका एग्जांपल क्या है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन एल्किन. जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एल्किन पे, उस वक्त हमें देखने को मिलेगा माइनस. न्यूक्लियोफाइल आसपास नेगेटिव चार्ज, ये शो करेगा माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, क्योंकि ये कहता है कार्बन अटैक. यदि कार्बन अटैक कर इलेक्ट्रॉन्स विल मूव अवे, अगर ये कोर अटैक किया कार्बन तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, गो इलेक्ट्रॉन चलन अवे फ्रॉम दैट कार्बन ऑन विच अटैकिंग रिएजेंट. न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग रिएजेंट, अटैक्स, इसका नाम है माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. समझावा ये साथ एरो एरो कार्बन में बैक एरो अवे फ्रॉम दैट कार्बन, इट इज माइनस ई इफेक्ट. वैन दोनों एरो एक ही कार्बन पे होते हैं, उसका नाम क्या है? प्लस ई. क्वेश्चन पर याद था, अगर न्यूक्लियोफाइल बनो या कार्बन से बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन से अवे फ्रॉम दैट, इट इज माइनस. अगर इलेक्ट्रोफाइल ने इस कार्बन से बॉन्ड बनाया, इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ आ गए, उसका मतलब है प्लस ई. प्लस का मतलब है आ जाओ मेरे पास, नेगेटिव का मतलब है भाग जाओ. समझावा न्यूक्लियोफाइल शोज माइनस प्लस एंड इलेक्ट्रोफाइल शोज प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. एग्जाम्पल नंबर टू लिखो इसी का, ये पहला है. सेकंड लिखो, अगर वन ऑफ सी डबल बॉन्ड हो, यहां पर मैंने लाया न्यूक्लियोफाइल को, बताओ कहां पर अटैक करेगा? ओ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, ये शिफ्ट होगा इसे, इस आएगा प्लस चार्ज, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. ये भी कौन सा इफेक्ट है? माइनस ई. देख बेटा कैसे होगा, यहां पर बनेगा ऐसे, जो ये इंटरमीडिएट होगा ये स्टेबल होगा, वुश कैच स्टेबल, क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज कहां पर आ गया? ओ पे, यहां पर आ गया न्यूक्लियोफाइल. ये साथ नेगेटिव चार्ज ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पर, ये स्टेबल होता है, इसीलिए इसका नाम है कीटून. एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, हम कहेंगे इसको कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स. ये कंपाउंड्स जब इनको हम न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे, ये कार्बन होता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही केम ऑन, इस पे प्लस चार्ज होता है, ये अटैक करेगा इसी को. ये बनो बॉन्ड या कार्बन से, इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्ड वे शिफ्ट अवे फ्रॉम दैट कार्बन, अवे फ्रॉम दैट कार्बन, इस इफेक्ट का नाम है माइनस ई. ये कहां पर होता है? व्हेन न्यूक्लियोफाइल एड्स टू कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन को जब न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे उस वक्त होता है माइनस ई. नोट करो, गो क्लियर. अब आ जाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो दो. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में, इंपॉर्टेंट. देख बेटा फर्स्ट पॉइंट, अगर गुंजाइश डबल बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम्स, याद रखना जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, आप पाई बॉन्ड को ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप पाई बॉन्ड को ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हो. व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम्स इज सेम, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट ऑकर्स इन आइदर डायरेक्शन, दोनों करेक्ट है, ये बनेगा माइनस ये बनेगा प्लस, यहां पर ये बनेगा माइनस ये बनेगा प्लस, इसका मतलब मैं ऐसे लिखूंगा. लिखो व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू कार्बन एटम्स इज सेम देन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ईएमई कैन ऑकर इन आइदर डायरेक्शन. याद रखना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैन ऑकर इन आइदर डायरेक्शन, इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, ये तब जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो. When electronegativity of two carbon atoms is same, then electromeric effect can occur in either direction. ये है पहला important point, first important point. Note करो, ठीक है बेटा. Point number two पे आ जाओ. अगर जब हमारे में आप मैंने ऐसे किया, ये है हमारे पास electronegativity difference, अभी हमें show किया, बताओ किस तरफ जाएगा? अगर ये सिग्मा बॉन्ड इज पाई बॉन्ड, एक सिग्मा है दूसरा पाई, लेकिन ओ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सी इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हमेशा याद रखना इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट ऑलवेज ऑकर्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये करेक्ट है. अगर किसी ने ऐसे बनाया डायग्राम, उसने ऐसे किया, उसने इसको ऐसे शिफ्ट किया, उसने गलती की, क्योंकि यहां पर प्लस चार्ज आएगा ओ पे,
हाईली अनस्टेबल, इसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है, प्लस चार्ज नहीं रहेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, इस पे रहेगा नेगेटिव चार्ज। ऊपर वाला करेक्ट है, नीचे वाला रॉन्ग है। यहां पर नेगेटिव चार्ज है ओ पे, प्लस चार्ज कार्बन पे, ठीक है। यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, प्लस चार्ज ओ पे, गलत है। इसका मतलब है अगर कुंजाइज एटम्स इनके बीच में पाई बॉन्ड है, हमेशा शिफ्ट करो पाई बॉन्ड को टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखो रूल, व्हेन टू एटम्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन ऑलवेज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑकर्स, हटा दो ऑकर्स टुवर्ड्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। याद रखना व्हेन टू एटम्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन ऑलवेज, हमेशा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑकर्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये जाएगा किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स दिस, ये करेक्ट है। इसका मतलब है हमें ये मिलेगा सी सिंगल बॉन्ड ओ, इस पे नेगेटिव चार्ज, यहां पर आएगा कार्बन पे प्लस चार्ज, ये करेक्ट है। नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, नोट करो, समझ आवा, ये दो पॉइंट याद रखना है। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, वो भी याद रखो। थर्ड पॉइंट अगर चुप होना है, दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर मैंने काम किया सी एफ थ्री, यहां पर मैंने रखा सी एफ थ्री। वन सर ए ग्रुप क्या है, माइनस आई ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। आप एनओ टू भी लगा सकते हो, माइनस एम ग्रुप, ये है माइनस आई ग्रुप। आई मतलब इलेक्ट्रॉन खींचा बिल्कुल, इसका मतलब ये ऐसे शिफ्ट होना चाहिए, इस पे आना चाहिए नेगेटिव चार्ज, इस पे आना पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये नहीं करना क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस है। अगर यहां पर कोई भी ग्रुप हो, आप हमेशा शिफ्ट करो टुवर्ड्स मोर, ये आपने गलत किया, दिस इज द रॉन्ग। इसका करेक्ट आंसर आएगा सी डबल बॉन्ड ओ, ये है सी एफ थ्री, ये है सी एफ थ्री, ये होगा इस डायरेक्शन में। इसका मतलब है अगर इंडियन टू इफेक्ट तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अपोजिट, हमेशा के डॉमिनेंट कुछ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये कौन इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कह रहा है इधर जाओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, इंडियन टू इफेक्ट कह रहा है लेफ्ट साइड की लेफ्ट तरफ आ जाओ, लेकिन इंडियन टू इफेक्ट कमजोर इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट स्ट्रांगर इफेक्ट है, ये करेक्ट है, ऊपर वाला रॉन्ग है। इसका मतलब है हम ये लिखेंगे, ये तीसरा पॉइंट है, व्हेन आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट, ये माइनस आई है ये खींचता है, एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अपोज ईच अदर, अपोज ईच अदर, बताओ कौन डोमिनेंट है, देन ऑलवेज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्रीडोमिनेट्स, प्रीडोमिनेट्स इंडक्टिव इफेक्ट। कैज ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पास होता है थ्रू पाई बॉन्ड लाइक मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट पास होता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, वो मुश्किल है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को पोलराइज करना है, टाइम लगेगा, आई मतलब वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट। व्हेन आई इफेक्ट एंड ईएमई अपोज ईच अदर देन ऑलवेज ईएमई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्रीडोमिनेट्स इंडक्टिव इफेक्ट, नोट करो। ठीक है बेटा, दिस कंप्लीट्स इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इतना ही है। अब हम यहां पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ये सारा कंसेप्ट। यहां पर हमने सारे इफेक्ट्स को कंप्लीट किया, हमने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट, मैं इसको अब करता हूं कंक्लूड। देखो कंक्लूजन, कंक्लूजन ये इंपॉर्टेंट है। एसटी रिपोर्ट हमने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट आई, इसके दो टाइप्स थे, एक का नाम है प्लस आई, दूसरे का नाम है माइनस आई। फिर हमने पढ़ा हाइपर कॉन्जुगेशन एच सी, इसके भी दो टाइप्स थे, प्लस एच सी, दूसरे का नाम क्या है माइनस एच सी। ठीक है बेटा, फिर हमने पढ़ा, हम उनको इकट्ठे करेंगे, इट वाज आर इफेक्ट कहो या मेसोमेरिक इफेक्ट कहो, इसके भी दो टाइप्स थे, प्लस आर कहो या प्लस एम कहो, इसको हमने इन डिटेल पढ़ा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और दूसरा होता है माइनस आर माइनस एम, ठीक है। उसके बाद आज हमने पढ़ा
इसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ई लिखेंगे। इसकी भी दो टाइप्स हैं, एक का नाम है प्लस ई, दूसरे का नाम है माइनस ई। क्लियर? ये तीन क्या थे? दीज थ्री वर परमानेंट, ये परमानेंट थे, परमानेंट इफेक्ट्स। ये वाला क्या है? टेम्पोररी, क्योंकि हमें चाहे अटैकिंग रिएजेंट। अगर ना अटैकिंग रिएजेंट ऐसी ये फेट गैसी में तभी हमने देखा, ठीक है बेटा। प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टुवर्ड्स कार्बन चेन, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे अवे फ्रॉम कार्बन चेन। ये हमने इन डिटेल सीखा। प्लस को मतलब को न्यून, माइनस का मतलब को न्यून। देना इज प्लस, लेना इज माइनस, इट इज लेना देना, ठीक है। और प्लस ई का मतलब है जब अटैकिंग रिएजेंट वहां जाएगा जहां पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो प्लस ई है, माइनस ई का मतलब है जहां अटैकिंग रिएजेंट जाएगा लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स वहां से भागेंगे वो माइनस ई है। ये हमने पढ़ा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप मुझे बताओ ग्रुप क्या है, इसमें कौन कौन इफेक्ट ऑपरेट करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट के लिए आपको सिर्फ देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। मेसोमेरिक और रेजोनेंस के लिए आपको देखना है कंजुगेशन, पाई बॉन्ड होना चाहिए। इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट के लिए आपको पाई बॉन्ड देखना है, और हाइपर कंजुगेशन के लिए आपको देखना है अल्फा कार्बन। अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, sp3 कार्बन अटैच होना चाहिए, किसके साथ? डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ, जनरली विद डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है बेटा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उनको आइडेंटिफाई करो। टॉपिक का नाम डालो आइडेंटिफाई इफेक्ट्स। और मैंने आपको कहा प्लस एम डोमिनेट करता है किसको? माइनस आई को, लेकिन इनके साथ हैलोबेंजीन माइनस आई डोमिनेट इज प्लस एम, ये हमने पढ़ा। आइडेंटिफाई, टॉपिक का नाम लिखो आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई ग्रुप्स, ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। गॉडनिक हाउ बाकी के रक्स पाने, मैं आपको पहला एग्जाम्पल शो करता हूं। मेरे पास ऐसे मैंने ग्रुप शो किया आपको, ऐसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना। ये दो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है, ये एरोमेटिक सिस्टम है, कंजुगेटेड सिस्टम है, ये साइक्लोहेक्सेन है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। यहां पर मैंने ग्रुप डाला, सपोज मैंने यहां पर डाला एम ओ टू, एन डबल बॉन्ड ओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, इसके साथ मैंने जोड़ा एन डबल बॉन्ड ओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, दोनों जो है ग्रुप सेम। देख बेटा यहां पर क्या होगा, मैंने आपको कहा इस ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, एम ओ इज मोर पावरफुल देन एम, इसका मतलब पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे। इसका मतलब है ये कौन सा ग्रुप है, ये माइनस एम ग्रुप है, इसका मतलब माइनस एम इफेक्ट होगा। अब देख ये एम है, ये सी है, इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, इसका मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे थ्रू सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब है ये ग्रुप एक्ट करेगा माइनस आई भी, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में माइनस एम भी होगा माइनस आई भी होगा। डोमिनेंट कौन होगा? माइनस एम इज डोमिनेंट ओवर माइनस आई, ज्यादा इलेक्ट्रॉन माइनस एम खींचेगा, वो पाई इलेक्ट्रॉन को बाहर लाएगा, ये हमने पढ़ा। इसको देखो यहां पर शिफ्ट होगा, लेकिन लेकिन यहां पर सिग्मा बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड से, इसका मतलब है यहां पर मेसोमेरिज्म नहीं होगा। एटेगेस्टी नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इन दिस डायरेक्शन, इसका मतलब यहां पर सिर्फ माइनस आई होगा। इस ग्रुप में, इस ग्रुप, इस मॉलिक्यूल में एनओ टू एक्ट करेगा माइनस आई, लेकिन इस मॉलिक्यूल में एनओ टू ग्रुप एक्ट करेगा माइनस आई भी और माइनस एम भी। आईसी आपको क्वेश्चन करने हैं, नोट करो। ठीक है, चलो बेटा मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको आंसर मुझे चाहिए। सबसे पहले प्लस एम के लिए कंडीशन क्या है, मैंने वो एक्सप्लेन किया। प्लस एम खतर कंडीशन यूज एटम अटैच रिंग से, जो रिंग कार्बन के साथ अटैच है, जो ये एटम है, अगर इसका लून पेयर है तो ये प्लस एम शो करेगा। बताओ ये पहला मॉलिक्यूल है, सेकंड बताओ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
सिक्स्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ चलो ऐसे कर दिया टेंथ सीरीज थ्री करो जल्दी ठीक है बेटा जल्दी बताओ इसमें क्या है ये है प्लस एम ग्रुप और ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा माइनस आई भी है लेकिन प्लस एम डोमिनेट ओवर माइनस आई इसमें क्या होगा लोन पेयर है प्लस एम है ओ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन इसका मतलब माइनस आई भी है लेकिन डोमिनेंट कौन है ठीक है एस एच है ये भी सेम टू सेम है प्लस एम भी है माइनस आई भी है क्या एस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन लेकिन प्लस एम डोमिनेंट ओवर माइनस आई इसमें देखो प्लस एम है लोन पेयर है इसका मतलब प्लस एम है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है माइनस आई भी है लेकिन डोमिनेंट कोर प्लस एम इसमें देखो लोन पेयर नहीं है ये ड्रैग करेगा इसका मतलब है ये माइनस एम ग्रुप है नोट करो ठीक है बेटा इसमें लोन पेयर नहीं है कार्बन इज अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहां पर डबल बॉन्ड भी है ये इलेक्ट्रॉन ड्रैग करेगा माइनस एम ग्रुप है ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस एम ग्रुप और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इसका मतलब है माइनस आई भी है डोमिनेंट कौन है प्लस एम डोमिनेंट और माइनस आई एनओ टू है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसका मतलब है ये शो करेगा माइनस एम और नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन माइनस आई भी होगा लेकिन माइनस एम डोमिनेंट और माइनस आई इसमें क्या है माइनस एम है ये माइनस एम ग्रुप है इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सेम है थोड़ा माइनस आई ग्रुप भी है लेकिन जनरली थोड़ा माइनस आई ग्रुप भी होगा लेकिन जनरली माइनस एम ठीक है क्योंकि कार्बनस बीच दरमियान आसान सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां यह थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिकॉज अटैच मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आप उसको निगलेक्ट करो ये क्या है इसमें भी माइनस एम ग्रुप है सीएच थ्री है ये क्या है इट इज इसका लोन पेयर नहीं है ये शो करेगा प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एच सी मैंने आपको बोला अल्काइल ग्रुप ये एसपी थ्री कार्बन है एसपी थ्री अल्फा कार्बन है और ये है एसपी टू कार्बन इसका डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच ये ग्रुप यहां पर होगा पार्शल कॉन्जुगेशन सिग्मा पाई रेजोनेंस उसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एच नेक्स्ट में आ जाओ दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 11 दिस वॉज 9th दिस वॉज 10th 11th पे आ जाओ चलो 11th पे आ जाओ 11th मॉलिक्यूल इज दिस मुझे बताओ इसमें क्या आएगा सी ट्रिपल बॉन्ड एम साइनाइड है 12th पे आ जाओ इट इज एन ओ याद रखना ये एन डबल बॉन्ड ओ है इस पर लून पेयर भी है ये एनओ टू नहीं है याद रखना 13 पे आ जाओ मैंने ऐसे बनाया कभी मैं डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड से शो कर रहा हूं कभी राइट साइड से ये एक ही बात है इट इज एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच जल्दी करो ठीक है बेटा इस पे आ जाओ 14 पे आ जाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां से गलती नहीं करना इट इज क्लोरोबेंजीन ये इंपॉर्टेंट है हेलोजेनस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिफ्टीन पे आ जाओ हमारे पास ऐसे है
it is NHC double bond OCH3. 16 पे आ जाओ. ब्रोमो बेंजीन करो जल्दी. ठीक है बेटा. कैसा है? इट इज 16. 17 में करो. इसका मुझे बताओ इसका क्या आएगा. नाइन तीन का बोलो. अब मैंने ऐसे शो किया, गलती नहीं करना. 20 का बोलो. जल्दी बोलो जल्दी क्विक. आप बहुत सारे मॉलिक्यूल घर में कर सकते हो अगर आपको इतना आ गया. इंच करें गैच करें बाकी रिपीट. देख बेटा, सी और एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और एन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा. माइनस एम ग्रुप है, इसमें माइनस एम इफेक्ट है. बस कार्बन और सी के बीच में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थोड़ा माइनस आई भी होगा लेकिन माइनस एम है. ये लोन पे इधर जाएगा, इसका मतलब प्लस एम भी है. इसमें O is more electronegative than nitrogen. इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इसका मतलब माइनस एम भी होगा. और M और C के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है, माइनस आई भी है, लेकिन आप मान के चलना माइनस एम ग्रुप है. डोमिनेंट कौन है? माइनस एम. ठीक है, मगर प्लस एम भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, माइनस आई भी. देख इस पे आ जाओ. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच है सल्फर के साथ. वो सल्फर अटैच है बेंजीन रिंग के साथ. ये इलेक्ट्रॉन को ड्रैग करेगा ऊपर की तरफ, पावरफुल माइनस एम ग्रुप. इसमें माइनस आई भी होगा लेकिन माइनस एम इज डोमिनेंट ओवर माइनस आई. क्लोरीन पे लोन पेयर है, इसका मतलब प्लस एम शो करेगा, याद ठाउनी. और यहां से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये माइनस आई भी है. ये है एक्सेप्शन, यहां पर माइनस आई इज डोमिनेंट ओवर प्लस एम. नोट करो, दिमाग में बिठाओ. जहां पर हेलोजेनस अटैच होंगे बेंजीन रिंग के साथ, वहां पर माइनस आई डोमिनेंट है प्लस एम से. हेलोजेनस एक्ट एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स फॉर इलेक्ट्रोफाइल्स, बट दे आर बेंजीन डीएक्टिवेटर्स. वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं. वो कहां चला जाता है? क्लोरीन पे है डी ऑर्बिटल, वहां पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं. लोन पेयर है, इधर आएगा. लोन पेयर इसमें है, इसका मतलब है माइनस प्लस एम ग्रुप है. और यहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस भी है, इसका मतलब ये माइनस आई भी है लेकिन प्लस एम डोमिनेंट है माइनस आई से. ब्रोमीन है, लोन पेयर है, इसका मतलब प्लस एम है. और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे थ्रू सिग्मा बॉन्ड ऊपर की तरफ, माइनस आई, क्योंकि हैलोजन माइनस आई डोमिनेंट ओवर प्लस एम. चाहे फ्लोरोबेंजीन हो, क्लोरोबेंजीन हो, ब्रोमोबेंजीन हो या आयोडोबेंजीन हो, यही कस्सा है. वहां से इतना ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इट इज माइनस एम ग्रुप. इसको देखो, इट इज माइनस एम ग्रुप. लास्ट को देखो, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और ये sp2 कार्बन है. ये क्या है? ये है sp3, ये मिथाइल ग्रुप है CH3. ये अटैच किसके साथ है? डबल बॉन्ड कार्बन. इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस HC ग्रुप है ये. यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा. दिस इज डिफरेंट इफेक्ट्स, उनका निचोड़ ऐसे है. आप इसको रिवाइज करो, यहां पर हम कंप्लीट कर रहे हैं इफेक्ट्स. अगले क्लास में डिस्कस करेंगे रिएजेंट्स. ठीक है बेटा, इसको रिवाइज करना ये काफी है.